छोटी सासू जी, आप कहाँ थी? आप पूरे दिन आपका इंतजार कर रहा था। एक्साइट मत हो, धीरे बोलो। दिन में सबकी नजरें मुझ पर थी, जब सब लोग सो गए तो चुपचाप यहाँ तक आई हूँ। बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंची हूँ। पुलिस वालों को मनाओ, उन्हें पैसा खिलाओ, मिन्नतें करो, तब जाकर इस वक्त तुम्हें मिलने की इजाजत दी है। बेल का अरेंजमेंट किया? बेल का इंतजाम भी हो जाएगा। मगर कब हो जाएगा छोटी सासू जी? आपको मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है। आपको पता है इस प्रॉपर्टी के लिए मैंने कितना बड़ा रिस्क लिया? अरे अपनी जान तक दांव पे लगा दी। किसके लिए? हम दोनों के लिए ना। लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? ये जेल। इनफ, फालतू बात मत कर। सारी साजिशें तुमने अकेले ने नहीं की, मैंने भी की है। रिस्क मैंने भी उठाया है, अपनी जिंदगी, अपनी इज्जत, अपना परिवार, अपने रिश्ते नाते सब कुछ दांव पर लगाया है। तुमने जो कुछ भी किया है मेरे दिमाग से किया है। थोड़ी सी जेल में परेशानी क्या उठानी पड़ी, मुझ पर घुराने लगे? और एक बात सुन ले, तुम अगर आज जेल में हो ना तो अपनी बेवकूफी से जाल मैंने भी बिछाए थे लेकिन आज तक पकड़ी नहीं गई। मुझे प्रॉपर्टी चाहिए थी किसी भी कीमत पर, मैंने सब कुछ किया। इसीलिए जब अभिषेक घर पर आया तो वो मेरा सबसे पहला निशाना बना। और रूहान और सिमरन की जब शादी हुई तो मुझे लगा कि उनका बच्चा ओबेरॉय प्रॉपर्टी पर राज करेगा। मैं उनकी शादी तो ना रोक सकी, लेकिन हाँ, मैंने तय कर लिया था कि जब तक रूहान सिमरन को घर से धक्के मार कर ना निकाल दे, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। और अब मैं अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब हूँ। मैंने एक तीर से दो शिकार किए। सबसे पहले मैंने घर वालों को अभिषेक के खिलाफ कर दिया और अभिषेक के ही जरिए रूहान के दिल में सिमरन के लिए शक पैदा कर दिया। सबसे पहला शक पैदा किया मैंने, गुंडे को हायर किया। उसे जबरदस्ती बुटीक में सिमरन के गले लगवाया और फोटोग्राफ्स खींच लिए। दूसरा शक, मैंने डिवोर्स पेपर्स तैयार करवाए और एक दूसरे को उसके लिए उकसाया। तीसरा शक, मैंने पंडित को खरीद कर ऐसी कुंडली बनवाई कि उनका मिलन ना हो सके। लेकिन आज किसी को मुझ पर शक नहीं। मैं सबकी फेवरेट संध्या चाची हूँ। आज सिमरन सब कुछ जानती है लेकिन फिर भी अपनी जुबान नहीं खोल पा रही। इसे कहते हैं समझदारी, इसे कहते हैं ब्रिलियंट मूव। और अब देखो मैं तुम्हें जेल से कैसे निकलवाती हूँ। बस थोड़ा सा सब्र करो इंदर, हड़बड़ाहट में सारा काम बिगड़ जाता है। देखा सिमरन ने हड़बड़ाहट में क्या किया, उसका क्या नतीजा निकला? आज रूहान सिमरन से नफरत करता है। क्यों जानते हो? क्योंकि सिमरन जब भी अभिषेक की मदद करने गई, मैंने मौके का फायदा उठाया और रूहान के दिमाग में सिमरन के खिलाफ जहर भरा। आज मैं अपनी जीत के बिल्कुल करीब हूँ और ये जीत मेरी झोली में सिमरन ने डाली है। संध्या चाची, आपका जवाब नहीं।
यही वो सबूत था जो मैं आप सबके सामने लाना चाहता था। आप बोलिए चाची, आप कैसे छिपाएंगे आप? बहुत हो गया, आपके पाप का घड़ा भर चुका है। ये तो शुक्र मनाइए उस इंस्पेक्टर का जिसकी वजह से आज हम इन्हें रंगे हाथों पकड़ पाए हैं, वरना ये तो सच्चाई का मुखौटा ओढ़े हम लोगों के बीच इसी तरह घूमती रहती। आज उस इंस्पेक्टर ने कुछ अपने उसूल तोड़कर हमारे इस घर को टूटने से बचा लिया। मैं तो यहाँ, मैंने कुछ नहीं किया। आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं तो यहाँ इंद्र को समझाने आई थी, उसे डांटने आई थी। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। निरंजन, निरंजन, आप चुपचाप क्यों खड़े हैं? कहिए ना इनसे कि मैं इस परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती। संध्या, तुम्हें अपनी पत्नी कहते हुए शर्म आती है मुझे? आज तक मेरी नजरें कभी नीचे नहीं झुकी, लेकिन आज तुमने सबके सामने मुझे हमेशा के लिए शर्मिंदा कर दिया। संध्या, परजाय जी, आप तो उम्र में मुझसे बहुत बड़ी हैं और मैं बहुत छोटी, और गलती छोटे ही करते हैं, लेकिन माफी बड़े ही देते हैं। परजाई जी, मुझसे गलती हुई है, मैं इंद्र के बहकावे में आ गई। मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। बस करो संध्या, मैं एक और शब्द नहीं सुनना चाहती तुम्हारे मुंह से। तुम क्या जानो परिवार क्या होता है, इज्जत क्या होती है? अगर तुम्हें इस बात का एहसास होता ना संध्या, तो आज तुम हम सबके सामने इस तरह अपनी नजरें झुकाए गिड़गिड़ाती नहीं। अरे अगर तुम्हें जायदाद चाहिए थी तो मुझसे कहती प्यार से, मैं अपनी जान दे देता, रुपए पैसे क्या चीज है। लेकिन नहीं, तुमने मेरी भोली सी बहू को फंसाना चाहा, उसके खिलाफ साजिश रची, उसे इस घर से निकलवाना चाहा। नहीं, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। हाँ, मुझसे गलती हुई है मुझसे गलती। मैंने इस परिवार को तोड़ना चाहा। सिमरन को रोहन से जुदा करना चाहा, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ परजाई जी, अब ऐसी गलती नहीं होगी। बस एक बार
मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। निरंजन आप तो कुछ बोलिए, एक बार कह दीजिए ना इनसे, प्लीज कह दीजिए। संध्या चाहिए, संध्या शशि कसूरवार जरूर है, लेकिन यह भी सच है कि वो इस घर की अपनी है। और अपनों को छोड़कर कहां जाएंगे? वो इस घर का हिस्सा है और हमेशा रहेंगे। ये क्या कह रही हो तुम? तुम इस औरत को अपना कह रही हो जिसने सिर्फ तुम्हें ही नहीं मुझे और इस पूरे घर को बर्बाद करने की कोशिश की। आज तुम इससे रिश्ता जोड़ने की बात कर, इससे जिसने तुम्हारा रिश्ता तोड़ने की कोशिश की, तुम्हारा और रोहन का। हाँ, संध्या शशि ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन मैंने इन्हें माफ कर दिया। क्योंकि जिंदगी नफरत के सहारे नहीं जी जा सकती। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूं कि आप अपने दिलों से नफरत निकाल दीजिए। और इन्हें माफ कर दीजिए। देखो संध्या, ये है मेरी बहू। देखो कितनी महान है। वो हमें कह रही है कि हम तुम्हें माफ कर दें। और अगर हम तुम्हें माफ भी कर देने संध्या, तो सिर्फ इसकी वजह से। जिंदगी दी है। मैंने जो कुछ भी किया है इस परिवार की भलाई के लिए किया है, उसे एक करने के लिए किया है। मैं जानती हूं निरंजन चाचू आपसे बहुत प्यार करते हैं, और मैं उनकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। अगर मैं चाहती तो आपकी सच्चाई सबके सामने कब के लिए आती, लेकिन मैं चुप रही परिवार टूटने के डर से। अब आपको एक वादा करना होगा कि आप कभी इस परिवार के खिलाफ नहीं जाएंगी। I promise. आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे मुझे परिवार के सामने कटघरे में खड़ा होना पड़े। जिंदगी ने मुझे एक और मौका दिया है, मैं इस मौके को गवाऊंगी नहीं। चलिए घर चलते हैं।
चलें। रूहान कहाँ है? आप चलिए, मुझे पता है वो कहाँ होंगे, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। तुम पवित्र होने का सिमरन, शर्म आती है मुझे तुम पर। तुम्हारा भाई के साथ क्या रिश्ता? ये वही जगह है जहां कभी मैंने सिमरन की आंखों में आंखें डालकर जिंदगी भर साथ निभाने की कस्में खाई थी। यहां मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा था कि मैं उस पर खुद से ज्यादा भरोसा करता हूं, लेकिन आज मैं यहां अकेला खड़ा हूं क्योंकि मैंने जो कुछ भी सिमरन से कहा वो सब गलत था। ना मेरा प्यार सच्चा था, ना मेरे वादे और ना ही मेरी कस्में, क्योंकि जब साथ निभाने का मौका आया तो मैंने उसका साथ छोड़ दिया, और जब उसे प्यार चाहिए था तो उसके बदले मैंने उसे नफरत दी, उस पर शक किया। जिस सिमरन को मेरे प्यार मेरे रिश्ते पर इतना भरोसा था, मैंने उस सिमरन पर शक किया। उसने मेरे घर को मेरे रिश्ते को संवारने के लिए दिन रात एक कर दिया। उसे मैंने अपनी नजरों से गिरा दिया। ना जाने कितने इल्जाम लगाए, कितनी बातें कही, लेकिन उसने एक बार भी पलट कर एक जवाब तक नहीं दिया, सिर्फ इसलिए कि उसका प्यार सच्चा था। उसे पता था कि एक दिन वो मुझे जीत लेगी, सच्चाई सामने आएगी और मेरी आंखें खुद ब खुद खुल जाएंगी। लेकिन आज सच्चाई सामने आने के बाद मेरी आंखें नीची हो गई हैं। कैसे मैं इन आंखों से सिमरन को देखूं? कैसे मैं उससे कहूं कि मुझसे गलती हुई है सिमरन, मुझे माफ कर दो। रूहान, जो हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जा। शायद वो मेरे प्यार का इम्तिहान था। रुक जाओ सिमरन,